मुलायम सिंह यादव की तरह रामगोपाल यादव ने भी बर्थडे पर पीएम मोदी को दे दिया आशीर्वाद। बोले, लंबे वक्त तक करें देश की सेवा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने सिर्फ बधाई देकर चलाया काम। पूरा विपक्ष साथ में बोला, हैप्पी बर्थडे पीएम साहब। रामगोपाल यादव की बात सुनकर सबका दिमाग चकराया। मोदी के लिए जो कहा वो सुर्खियों का सबब क्यों बन गया। मुलायम सिंह यादव ने संसद के अंदर पीएम मोदी को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जीत का आशीर्वाद दिया था। उस वक्त नेताजी ने जो कहा था वो पूरे देश में सुर्खियों का सबब बन गया था। आज जब फिर से देश में लोकसभा चुनावों की आहट है तो नेताजी की गैर मौजूदगी में उनके छोटे भाई प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने आज कुछ वैसा ही आशीर्वाद मोदी को दे दिया है। पीएम के बर्थडे के मौके पर जहां सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के लोग उन्हें हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे, तो दूसरी ओर रामगोपाल यादव ने तो पूरा माहौल ही पलट कर रख दिया। यूं तो पीएम को सबसे पहले बधाई देने के मामले में राहुल गांधी ने बाजी मारी और उस वक्त ट्वीट कर दिया जब लोग अपने घरों में सोए हुए थे। अखिलेश यादव ने भी अपने ही अंदाज में एक लाइन का बधाई संदेश लिखा, लेकिन महफिल रामगोपाल यादव लूट ले गए। रामगोपाल यादव ने लिखा, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार को उनके जन्म दिवस पर अनंत शुभकामनाएं। आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, शतायु हो और दीर्घ काल तक देश की सेवा करते रहें। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की ये दो तस्वीरें भी साझा की हैं। उनके संदेश पर नजर डाली जाए तो वैसे तो ये बहुत ही सामान्य सा बधाई संदेश दिखता है, लेकिन अंतिम लाइन नेताजी के बयान की याद दिलाती है जो उन्होंने लोकसभा के अंदर अपने बयान में कही थी। रामगोपाल यादव चाहते हैं कि मोदी जी यूं ही लंबे वक्त तक देश की सेवा करते रहें। यानी जाने अनजाने वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि मोदी जी यूं ही पीएम बने रहें। हालांकि आज कई राजनेताओं ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 73वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामना देने वाले पहले भारतीय नेताओं में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी थे। राहुल ने आज सुबह पोस्ट लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी एक लाइन का ही शुभकामना संदेश लिखा। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने अंदाज में शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर मेरी शुभकामनाएं। उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिले। मोदी को बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना है। शरद पवार ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी और लिखा, मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना करता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और विपक्षी एकता के पैरोकार अरविंद केजरीवाल ने भी अपने ही अंदाज में शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना करता हूं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी पीएम को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि मैं जन्मदिन पर पीएम को हार्दिक बधाई देता हूं, पीएम को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि कई ऐसे नेता भी रहे जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं प्रेषित नहीं की। इनमें शिवपाल सिंह यादव और ममता बनर्जी के नाम शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।